शाबाश शाबाश, दुश्मन का बेटी से मेल मिलाप हो रहा है। ये अब चना खान का बीवी है गुलवरी। और चलो चलो, हमको मत समझाओ ये कौन है और कौन नहीं है। इस घर में उसका वैसा ही औकात है जैसा बरेरा का। अभी तुम्हारा जख्म ठीक नहीं है मेरा दोस्त, इसको बाहर नहीं दो। जब तक मेरे दुश्मन का खून का मरहम नहीं लगेगा ये नहीं भरेगा। हाँ तो लगाएगा ना, दुश्मन के खून का मरहम ही तो लगाएगा। बस थोड़ा सा सबर करो, अभी हर तरफ ये खबर फैला हुआ है कि तुम मर गया है, ये इसका फायदा उठाओ। यारा वो लड़का किधर है जिसका सालगिरह मल गिरा है? बाबा लड़का किधर है? अब जवान हो गया है। आज उससे फायरिंग करवाओ। ये केक बेक ये जरा ना काम है, कैदी लोगों का है। जो सीनों में गोलियां उतारता हो उसको हवाई फायरिंग से कोई मना करे तो उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन मैंने भी सोच लिया कि आज हम फायरिंग किए बगैर सोएगा नहीं। तो फिर ऐसा करो, ऊपर छत पे चलो, जाओ वहां जाके फायरिंग भी देखो और फायरिंग करो भी। कभी तुमने मेरी धड़कनों की बेकरारी नहीं सुनी, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए बेकरार है हमजा। मैं तुमसे मोहब्बत करती, मैं तुम्हें चाहती हूँ। प्यार वो दिल का फैसला होता है और मेरा दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कता। दर्द तेरा है दिल में छुपा के कैसे जी। सफर मोहब्बत का हो या नफरत का, अकेला इंसान टूट के बिखर जाता है। सना मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैंने जिससे मोहब्बत करनी थी मैंने उसे कर ली। वापस चली जाओ, वापस जाने का रास्ता नहीं है मेरे पास। दिल भर गया इस प्यार से। मैं दरअसल काफी देर से ना अफरान को फोन कर रही थी, उसे फोन नहीं उठाया, मुझे लगा वो कहीं बिजी होगा, तो सोचा आप ही को फोन करके ये खुशखबरी सुना देती हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह, आप नानी के साथ साथ दादी बनने वाली है रमचा उम्मीद से। मैं अफनान को औलाद की खुशी देना चाहती, लेकिन अब तो रमशा की तरफ से भी उसको औलाद हो जाएगी। मेरी सारी खुशी बर्बाद कर दी है इस लड़की। कैसी बातें कर रही हो अलीज़े, तुम ही अफनान को पहली औलाद दोगी। और अफनान को बाप बनने की खुशी भी तुम ही दो, क्यों नहीं वो तुम्हारी कदर करेगा? खुश नहीं आप? अफनान, मुझे लगा था इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के शायद आपकी नाराजगी खत्म हो जाएगी मुझसे, आपका दिल नरम हो जाएगा मेरे लिए। यार आपकी खुशी दिखाई नहीं दे रही अफनान, क्या आप वाकई खुश नहीं हैं? शादी तो तेरी टल गई है, खुला के केस का क्या करना? मन्नत को लाकर पुलिस वापस ले रही है, उसने कहा मुझसे। इसके बाद क्या करोगे? वो तेरे साथ चली जाएगी, उसके भाई वो उसको उस घर में जाने की इजाजत दे देंगे। दे हैव टू, नहीं रोक सकते यार, हम ये पीवी हैं, फैसला तो हमने ही करना है ना। सीरियसली 3 महीने हो गए तुम्हें घर वापस आए हुए,
क्या चल रहा है भाई? You care to enlighten me? भाभी मैंने कुछ गलत नहीं की। Shut up मन्नत, मुझे तुम्हारी justification नहीं सुननी, मुझे facts चाहिए। I want to know what's going on, each and everything. जेवर बेच के हक मेहर अदा कर ते फारे कर उस मन्नत नू। लेकिन खाला देख ना पुत्र, खाला दे ख्याल कर ले, कदो तिकर मैं जवान तीनू लेके तुहाडे दर ते बैठी रवां। आप एक सेकंड रुके, मैं बात करवाती। सितारा दा ब्याह हो जावे खैर दे नाल ते मैं भी सुख दा सा लवां, फिर अपने घर वापस जावां। सब मेरा शहजादा पुत्र, मां दी गल मन ले। अम्मी मन्नत भाभी के घर से फोन आया। मेरा दिल मेरा वजूद आपके नजरों के हिसार में कह दे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा हाथ मैंने है? सारी दुनिया से लड़के इसलिए था मैं ताकि छोड़ दो एक दिन। एक बात हमेशा याद रखना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। कम से कम इसको इतना तो समझा देते कि हमारे घर का तौर तरीका और अंदाज क्या है। ऐसा हुलिया तो हमारी मेड्स का भी नहीं। मम्मी क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। उरूज को कॉल करें ना, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बेल जा रही है, उठा नहीं रही। तो सलमान को कर ले। ऐसी हालत में तो एहतियात करनी चाहिए थी, और माँ सीढ़ियों से गिर गई। बच्चे को भी नुकसान हो सकता था, माँ को तो चोटें आई हैं। देखिए डॉक्टर, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। उरूज सीढ़ियों से उतर रही थी, अंधेरा था, उसका पैर फिसला तो वो जमीन पे गिर गई। बस ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी आसानी से तुमने सुना दी। आपका सच बिल्कुल ठीक है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तू।